हेलो दोस्त, मेरे यूट्यूब चैनल अमर इन्फो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि इस वीडियो में बताएंगे कि RBL बैंक का क्रेडिट कार्ड का बिना पासवर्ड का कैसे स्टेटमेंट ओपन करें। जैसे कि देखिए, मेरे पास एक स्टेटमेंट है RBL बैंक का, ठीक है। तो कैसे इसको ओपन करते हैं, तो आज इस वीडियो में बताएंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर ओनली बैंकिंग के रिलेटेड वीडियो ही अपलोड करते हैं, तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, क्योंकि ऐसे रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद यही था कि जिसे कि अभी जो पासवर्ड नहीं जान पाते हैं, जिसको पासवर्ड नहीं पता होता है, और वो कैसे अपना स्टेटमेंट ओपन करेंगे और कैसे मतलब पासवर्ड पता करेंगे, ये सब तो नहीं पता कर पाएंगे। तो ईजिली पासवर्ड है जो मैं आपको बताऊँगा, वो कोड खाली यहाँ पर डालना है और आप कोड डालोगे, आपका स्टेटमेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर दे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो वीडियो को स्टार्ट। जैसे कि देखिए, मेरे पास ना एक मेरे SBI में मैं जॉब करता हूँ, तो मेरे कलीग ने ना एक स्टेटमेंट भेजा था, बोला कि अमन इसको ओपन करना है तो कैसे करें, ठीक है। तो मैंने ना सिंपल सा एक पासवर्ड बताया था, 123, ठीक है। 123 डालोगे ना, तो 123 डालने के बाद ना आपका ना जो RBL स्टेटमेंट ओपन हो जाता है। ये पासवर्ड डालने के बाद 123 पासवर्ड डालोगे, और पासवर्ड डालने के बाद ना 123 आपका ये स्टेटमेंट ओपन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कार्ड नंबर रहता है, और यहाँ पर इनका जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस बाकी रहता है वो यहाँ पे शो करता है। मिनिमम अमाउंट कितना पेमेंट कर सकते हैं वो दिखता है, और पेमेंट कैसे कर रहे हैं वो यहाँ पे दिखता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ना लास्ट बिल का दिखता है, एंड जस्ट यहाँ पे टोटल क्रेडिट लिमिट, अवेलेबल लिमिट दिखता है, और यहाँ पे कैश लिमिट दिखता है, ठीक है। तो जैसे कि वहाँ पे ना कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है, लेट फीस लगा है, इनको लेट फीस लगा है, ठीक है, फाइनेंशियल चार्जेस लगाए, फाइनेंशियल चार्जेस लगाए, और गुड सर्विस टैक्स मतलब GST लगा इनको, ठीक है। तो यहाँ पे इनको ये दिखता है, और ये क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट होता है RBL बैंक का। तो ऐसे आप इसको RBL बैंक का स्टेटमेंट आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ना RBL बैंक का स्टेटमेंट ना मेल पे नहीं आता है, तो आपके रजिस्टर मोबाइल पे ना आपको ना एक मैसेज आता है RBL बैंक से नोटिफिकेशन। जैसे कि देखिए, मेरे पास ना RBL बैंक का नोटिफिकेशन यहाँ पे आता है, जैसे कि RBL का नोटिफिकेशन ना यहाँ पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है ये, तो जैसे कि एक दो तीन और डालने के बाद ना जस्ट यहाँ से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, और ऐसे रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो का 1000 का लाइक का ये है टारगेट है, तो प्लीज़ कंप्लीट कीजिएगा, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।